एआईएडीएमके विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जयललिता इस बैठक में मौजूद नहीं थी। इस बीच मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने इस्तीफा दे दिया है और अब जयललिता के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। खबर है कि शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे जयललिता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। माना जा रहा है कि जयललिता शनिवार को मद्रास यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी होने के बाद पहली बार जयललिता आज समर्थकों से भी मुखातिब होंगी। जयललिता को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अम्मा समर्थकों में जश्न का माहौल है। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि अगर वो अपनी राष्ट्रीयता का जिक्र नहीं करते हैं और वो प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं जो वीजा के लिए होती है, तो हम इस पक्ष में नहीं हैं कि उनको वीजा देना चाहिए, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के साथ किसी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। कि वो भारत के संविधान के प्रति वफादार हैं, तो उनको क्यों दिक्कत है ये स्वीकार करने में कि एक भारतीय के नाते उनको पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। नहीं, इस तरह के वक्तव्य उत्तेजना फैलाने वाले। और खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।